नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ भाई, वीए का बार बार नाम आ जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूज उसी की चलती है। कुवैत से रिलेटेड हम बात करेंगे, सबसे अच्छी बात करेंगे भाई आप आज पॉजिटिव बात करेंगे कि कुवैत की स्थिति क्या, इंडियन एम्बेसी आप लोगों के लिए क्या प्रयास कर रही है। ठीक है जी, वैध परमिट जिनके पास रेजिडेंशियल वर्क परमिट वीज़ा है उनको क्या प्रोसेस करना चाहिए, फ्लाइट कब से स्टार्ट हो जाएगी, कौन से टिके आप लगवा सकते हैं। अभी कुवैत सरकार ने 12 देशों को ग्रीन लिस्ट में डाल के फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं। इंडिया का कब तक नंबर आएगा, हम इस पूरे टॉपिक पे हम बात करेंगे। आगे वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कोरोना का स्थिति अगर देखा जाए तो भाई कुवैत में कंट्रोल है, नो डाउट। लगभग लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और लग रही है, तो स्थिति ठीक है। अभी अगर फ्लाइटें आपको पता है भाई, पिछले 2020 मार्च से कुवैत की फ़्लाइटें बंद थी, वीज़ा वगैरह सब कुछ बंद था, इस वजह से लोग नहीं जा पा रहे थे। बहुत सारी जनता के वीज़ा एक्सपायर हो गए, फ्लाइटें कैंसिल हो गई, उनका पैसा, उनकी सैलरी, उनका बिजनेस सब कुछ चौपट हो गया। जी हाँ, लेकिन फिर भी उम्मीद हम नहीं छोड़ने वाले हैं, कोरोना को मात दे के कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। इंडियन एम्बेसी ने भी अपनी तरफ से अपडेट दिया कि भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्लान और अभियान हमारा जारी है, डेटा एकत्रित किया जा रहा है कि हम कुवैत के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके विदेश मंत्रालय के साथ में फ़्लाइटों से रिलेटेड कि भाई फ़्लाइटें स्टार्ट हो। जी हाँ, तो इससे रिलेटेड डेटा एकत्र किया जा रहा है। इंडिया के जो वर्कर हैं, कौन से वर्कर, जो रेजिडेंशियल वर्कर हैं, वर्क परमिट वीज़ा वाले होल्डर वाले हैं जो इंडिया में बैठे हैं, उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिससे पता लगे कि भाई ये लोग इस कैटेगरी के इतने लोग यहाँ बैठे हैं इतने टाइम से, ताकि हम उसको फ्लाइटें, क्योंकि कुवैत सरकार बता दूं 1 अगस्त से फ्लाइटें स्टार्ट करने जा रही है। जी हाँ, अब वो कौन से देशों के साथ स्टार्ट करेगी ये थोड़ा संशय बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के साथ भी फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त, यानी आज तक अगर देखा जाए तो पूरा एक महीना पड़ा है। पूरा एक महीने में इंडिया में भी वैक्सीन लगेगी, कोरोना और भी कम होगा, इस वजह से उम्मीद करते हैं कि फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये डेटा एकत्रित किया जा रहा है ताकि जो वर्क परमिट होल्डर इंडिया में बैठे हैं भाई, उनके लिए खास तौर से मैसेज है कि आप कॉन्टेक्ट करके जो भी फॉर्म वगैरह इंडियन एम्बेसी या आपके जो भी रबाब खबाब आपका जो भी कंपनी है उनसे कॉन्टेक्ट करके ये इस रजिस्ट्रेशन में ज़रूर भागीदार बने, ताकि 1 अगस्त से होने वाली फ़्लाइटों का आपका नंबर आ सके। जी हाँ, अब उन्होंने ये बोला है कि जी टीका जो लगवाएगा वही हमारे देश में आएगा, ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। आप टीका लगवा लें ज़रूर। टीका की बात करें तो एक तो फाइजर का टीका लगवा सकते हैं, बायो एनटेक का टीका लगवा सकते हैं, एक्सफोर्ड का भी टीका लगा सकते हैं, एस्ट्राजेनेका। ये टीका इंडिया में इसको जाता है कोविशील्ड, समझ गए, इसको नाम कुवैत में एक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है, इंडिया में इसको कोविशील्ड बोला जा रहा है। तो कोविशील्ड का टीका आप इंडिया में लगवा लें, वो वैलिड होगा, कुवैत में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्डन का लगवा सकते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का टीका है तो वो अवेलेबल है, तो वो भी लगवा सकते हैं। इंडिया में कोविशील्ड है, इसी को लगवाना है। स्पुतनिक वगैरह पे नहीं जाइए क्योंकि हो सकता है कल को वो मान्यता नहीं मिले, क्योंकि रूस की बहुत सारे देशों के साथ अनबन है तो वो फिर मान्यता नहीं देते। इंडिया के साथ तो सब देशों की अच्छी है भाई, सिर्फ चीन और पाकिस्तान को छोड़ के, ये सच्चाई है। इसका एविडेंस आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया का पावर क्या है। यूरोपीय देश जो इंडिया को मान्यता नहीं दे रहे थे ना कोविशील्ड टीका को, वो फटाक से मान्यता दे दिए। यूरोपीय संघ है, अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप देखना। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा। अब कुवैत ने 12 देशों का कल की डेट में प्रतिबंध हटा दिया है। वो देशों की बात करें तो वसीना है, ब्रितानिया, स्पेन, यूएसए, अमेरिका को भी लिस्ट में डाल रखा था, उसको भी हटा दिया भाई। नीदरलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, जी हाँ, और फ्रांस है, किर्गिस्तान है, जर्मनी, ग्रीस और स्विट्जरलैंड, ये जो 12 देश थे इन पे फ्लाइट प्रतिबंध था, इनको प्रतिबंध हटा दिया गया है। 1 अगस्त 2021 से लगभग कंट्रियों के फ्लाइट बैन हटा दिए जाएंगे। इंडिया का भी हम उम्मीद करते हैं कि हट जाएगा, तो ये जो प्रोसेस बताए ये आप कर लीजिए ताकि आपको कुवैत जाने में आसानी रहे। बस यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।